गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। राधे राधे। और अभी टाइम हो गया है 12:30 और अभी मेरी गुड मॉर्निंग होती है। गुड मॉर्निंग बेसिकली बहुत पहले होगी थी, मैं सारे काम में बिजी थी, तो सारा मेरा काम हो गया है और अभी जाएंगे हम दिल्ली। और खाना पीना हो गया है और लकी को भी खाना पीना खिला दिया है, तो दिल्ली से मैं क्या लेके आऊंगी वो आके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अभी चलते हैं दिल्ली और तलन साहब ने गाड़ी निकाल ली है, तो लकी आराम से सोए जाएगा और हम ज्यादा देर का काम नहीं है, जल्दी जाएंगे और जल्दी वापस आएंगे। क्या लेके आएंगे वो आके बताऊंगी, तो अभी चलते हैं दिल्ली। हमारे तो भाई बगैर चाबी के है ना, गाड़ी खड़ी नहीं करने कर, चाबी दे दो, चाबी तो देंगे नहीं। आयुष्मान कार्ड बनवाए इनका, ऐसा है ना, सीख दड़ है। अपने एरिया में आने के बाद तो ना एक थोड़ी सी शांति सी मिलती है ना। देखो जब हम आए ना, जब इस वाले रोड पे था जाम, अब उस वाले रोड पे है जाम पूरा। देखो इस वाले और हम आए थे जब इस वाले रोड से, तो वहाँ पर बहुत जाम था। असल में 3-4 जो है मोड़ पड़ते हैं वहाँ पे, हो ही जाता है, तो ये सीन है। और देखो कितने सारे बाइक वाले जाते हैं ना, हेलमेट तो किसी किसी ने लगा रखा है ना, तो सेफ्टी ही रखते हैं लोग बाग और ना ही कानून की परवाह करते हैं। अभी मैंने ना बहुत सारे बाइक वाले देखे हैं, मतलब ये लगा लो कि हेलमेट तो बहुत कम लगा रखा, बहुत कम लोगों ने लगा रखा। आगे हम घर पे और लकी यहाँ पे सोया पड़ा था और ये हम सामान लेके आए हैं। बेसिकली अभी ऑफ सीजन हो गया ना, तो ये चार पांच कार्डिगन की मैं ऊन लेके आई हूँ और उसके बटन भी ले आई हूँ। और वहाँ पे जो है ये वाले, ये चप्पल लेके आई मेरे हस्बैंड के लिए, उनकी टूट गई थी, तो ऐसा कुछ सीन है भाई। और बस हाथ पर मुंह धोए हैं, अभी पानी गर्म करूंगी पीने के लिए और फिर बनाऊंगी चाय। और लकी के लिए ब्रेड ले आई हूँ, अंडे के साथ दे दूंगी। और हम लेके आए समोसे भाई, समोसे खाएंगे क्योंकि कड़वा कड़वा मुंह हो रहा है। और बस ये सीन है, तो मैं दिखाती हूँ, लाइट जला लूँ मैं। ये अंडे की ट्रे ले आई है और इसमें समोसे हैं और ये लकी की ब्रेड वगैरह है, तो ऐसा कुछ है। तो अभी बना लेती हूँ चाय अच्छी सी, अदरक कूट के और अच्छी सी बनाऊंगी। और बस बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, तो अभी मन करता है कोई चाय बना के दे दो या कॉफ़ी बना के दे दो और मैं खा पी कर अपने रजाई में घुस जाऊँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेटी होती तो बेटी दे देती, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो मेरे को ही बनानी पड़ेगी। तो पहले करती हूँ पानी पीने के लिए गरम, और फिर साथ साथ रख दूंगी मैं चाय बनने के लिए। और तलन सब है वो ऊपर चले गए हैं लकी को लेके, आते ही मैंने उसको सुसु तो करवा दिया था, लेकिन शायद वो पोटी भी करेगा, तो वो पोटी यहाँ पे मतलब मुश्किल से ही करता है, ऊपर जाके कर लेता है, तो वो लेके गई हूँ ऊपर। तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। और तो ये था, और बाकी तो कुछ, हाँ आते ही लकी को सुसु करवाया, और सामान आधा मैं ले आई थी, गाड़ी तरपाल ढकवा के आधा मैं ले आई थी, और बाहर कपड़े सुखा गए थे वो उतारे हैं, और बस कपड़े चेंज किए और हाथ पैर मुँह धोए गर्म पानी से, और अभी बना लेते हैं चाय। ये कम ज्यादा क्यों भाई? ज्यादा आपके हैं, कम मेरे। क्यों? क्योंकि मैं आपसे कमजोर हूँ। ओके बैठ जाइए। आज बैठ जाइए, आज लेग बैठ बैठ दूंगी। अभी तक एक अंडे उबाल लूंगी। बैठ जाइए, बैठ जाओ। क्या खाया लड़की ने? क्या खाया? क्या खाया लड़की ने? तुझे खा लिए? खाना बेटा हो गया है? अभी है ना अपने किचन का काम समेट आई हूँ सारा, और ईब मैं आ गई हूँ अपनी रजाई में, क्योंकि मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, और तबीयत तो बहुत ख़राब है ही है, क्योंकि आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। और मैं ले आई हूँ इतना सा दूध गर्म करके, तो वो ये पी के और फिर मैं लेट जाऊँगी, और अभी आप लोगों से विदा लूँगी। आज का तो खास ब्लॉग बना भी नहीं, और
कुछ आज खास घर का काम भी कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं पाई। बाकी जितना भी बना है उसको कबूल कर लेना भाई। और बेसिकली आज हम गए थे इंद्रलोक, और इंद्रलोक कल दिखाऊंगी उन मैं कौन सी लेके आई हूँ। एक मिनट में ये उतार दू, ये ना पीछे चुभ रहा है, अब डाल लेती हूँ ये और इसको लगा देती हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे सुबह रहिए यहीं मिल जाए और ढूंढने की जरूरत ना पड़े। और बेसिकली अभी जो है ना इंद्रलोक थोड़ा सा ऑफ सीजन हो गया है, तो ऑफ सीजन में ना थोड़ी सी जो रेट है ना वो डाउन कर देते हैं। और बेटी के लिए बनानी थी मेरे को बहुत, यानी थाईज है ना उससे नहीं है, उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी लॉन्ग कार्डिगन बनानी है, तो उसके लिए लेके आई थी। जो कि 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे को नया चैनल मिला था और उसमें कार्डिगन मैंने देखी थी, बहुत प्यारी कार्डिगन थी गाइस। ये जब मैं बनाऊंगी ना तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बेसिकली मैं कल ही शुरू कर दूंगी, क्योंकि मेरे से ना ऐसे क्या होता है कि इंतज़ार होता नहीं है। कोई भी काम अगर करना होता है ना तो मेरे को सनक हो जाती है, हाँ ये मेरे को करना ही करना है। और आज मेरे यहाँ ना, यहाँ पे दिख भी रहे हैं, पास से दिखाती हूँ, यहाँ पे ना इसमें वीडियो में दिख नहीं रहा है शायद, यहाँ पे ना मेरे को चोट लगी बहुत जोर से। और सर्दी में तो है ना मतलब इतनी जोर से है ना वो लगती है। अभी तो लन साहब आगे मेरे साथ मेरी तरफ देख रहे हैं और हंस रहे हैं। सर्दी में तो ना चोट लगती भी बहुत ज्यादा है। तो आप क्या देख रहे थे, है कुछ तो देख रहे थे, क्या कर रहे थे आप ऐसे? तो अभी मैं पीऊंगी दूध। ऐसे क्या कर रहे थे आप, मारा जाए भाभी, क्या तुम कर क्या रहे कर हैं? रहे हो? तो फिर व्लॉग का एंड नहीं करना, तो यहीं बैठ कर करूंगी ना, देखो हंसते हुए जा रहे हैं। तो जो व्लॉगिंग करता है ना, जो डेली व्लॉग डालते हैं, उनको तो पता ही है अभी रजाई में घुस के काम करते वक्त सोफे में बैठे हुए, छत पर गए हुए या कहीं मार्केट में गए, हर जगह कैमरा उनका उनके साथ रहता है, तो है ना मेरे को देख के ना हंस रहे हैं। तो दो हाफ जैकेट की मैं अपनी ऊन लेके आई हूँ। मेरे पास हाफ जैकेट जब मैं मोटी थी ना तब की है, अब वो मेरे को ना ऐसी आती है बिल्कुल लूज लूज। और हालांकि तो अभी भी मेरा वेट बढ़ गया है थोड़ा सा, वो जो मेथी के और सौंठ के लड्डू और प्रोटीन वाले जो लड्डू डाल रखे हैं ना वो डेली ये खा रही हूँ। अब वो वेट तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे ना, पर कोई ना अगले महीने से फिर वही चीज़ कर दूंगी। पर ये है कि अभी जैसे मौसम चल रहा है ना उसमें ही जितना खाना पीना होता है ना वो शरीर में लगता है, तो इसलिए ये चीजें मैंने कहा वेट को तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन ना एक हेल्दी और पौष्टिक जो चीजें होती है ना वो पेट में जानी जरूरी है। तो ये था भाई दूध, और ये कड़ावनी वाला दूध है। अपने जो लोकल बंदे है ना हरियाणा के जो लोग हैं वो उनको तो पता है कि कड़ावनी का दूध क्या होता है। और मेरी बेटी को तो पसंद नहीं ना, मेरे पति देव को पसंद है, बट मेरे बेटे को और मेरे को ना कड़ावनी का दूध बहुत ज्यादा पसंद है। क्या होगा, लकी को ले जा रहे ऊपर? चला जाएगा वो भी, क्योंकि अभी लेकर गए थे ना, खाना खा लिया उसने। लकू तो भाई हरियाणा वालों को तो पता है कड़ावनी का दूध क्या होता है, क्या होता है कड़ावनी का दूध? और तेलन साहब को बिल्कुल जो नहीं, सारा दिन उबड़ा है। तेलन साहब को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। दरवाजा बंद कर जाओ। और आज हम जैसे मेरे को तो पता क्या होता है, दो दो ड्रॉप दूध था और भी लिया। मेरे को तो पता क्या होता है, हम अपने सिटी में भी अगर जैसे मार्केट में चले जाते हैं ना
यहाँ की पूरी मार्केट मुझे पता भी नहीं है, मेरे को बहुत साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन यहाँ की पूरी मार्केट का मुझे पता ही नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत है ना, आउटर में भी जाना होता है ना, जैसे बैंक वगैरह का काम होता है। देखो हम, मैं अपनी गाड़ी में जाती हूँ और गाड़ी से ही वापिस आती हूँ, ना शीशे रास्ते में नीचे उतरते हैं ना मैं नीचे उतरती हूँ, लेकिन फिर भी ना एक ऐसा हो जाता है जैसे फेस पे ना एक लेयर हो गया है पॉल्यूशन की। और आज तो जैसे अब तो यानी अभी आज जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंड है, नहीं तो जब दिल्ली जाते हैं ना आके मैं नहाती ज़रूर हूँ हाँ, पर आज गर्म पानी से ना हाथ पैर मुँह धोए मैंने अच्छे से। लेकिन देखो आधे रास्ते हम गाड़ी में गए थे, आधे रास्ते मतलब थोड़ी सी दूर तक, और फिर हम मेट्रो में गए थे, फिर वहाँ से उतर कर इंद्रलोक कर जो मेट्रो स्टेशन है वहीं जो पास में वो ऊन वाली मार्केट है, तो वहाँ से ऊन ली। सिर्फ एक दो ही तीन दुकानों में गए थे, बटन वगैरह खरीदे वहाँ से, और फिर वापस मेट्रो स्टेशन, वहाँ से मेट्रो में, और फिर जहाँ गाड़ी खड़ी थी ना पार्किंग, बेसिकली गाड़ी पता क्यों लेकर गए थे, एक तो हस्बैंड जी की ना चप्पल टूट गई थी, वो चप्पल लेके आनी थी, ये बोले कि तेरे को साथ चलना पड़ेगा। मैंने कहा वहाँ से आकर तो मैं बिल्कुल मार्केट ना जाऊँ, तो कहते मार्केट के अंदर नहीं जाना, बाहर बाहर है, वहाँ से ले लेंगे, रिलैक्सो के शोरूम से ले लेंगे। मैंने कहा नहीं, फिर बोले चलो वहाँ पे ना रिलैक्सो का शोरूम है ना, शोरूम बोल रही हूँ शोरूम है ना, वहाँ गाड़ी खड़ी कर देंगे और फिर वहाँ से मेट्रो में चल पड़ेंगे। पता क्या है, शायद पानी आ गया, देखो इतने कम वक्त लोग हैं, इस वक्त कौन सा टाइम है ये पानी देने का। अब मैं मोटर चलाऊंगी तो कितनी देर चलाऊंगी, एक बार मैं ठूठी बंद करके आती हूँ और मोटर भी चला ही देती हूँ, आधा घंटा तो है ही, फिर आधे घंटे में शायद भर भी जाएगी, देखती हूँ। अभी मोटर चलाए हूँ क्योंकि पतिदेव भी अभी ऊपर से आएंगे, अपना दूध पियेंगे, तो आधा घंटा तो चली जाएगी, जब तक भरेगी तो भरेगी भाई, फिर बंद करके सो जाऊंगी, अपना समरसीबल का पानी भर लेंगे। अब कितनी देर जगे रहे, अब 9 का टाइम हो रखा है। अब एक तो मेरी तबीयत वैसे ही खराब हो रही है और मेरे पतिदेव की जो है मॉर्निंग शिफ्ट है, 3:30 बजे वैसे उठना है, तो भाई ऐसा सप्लाई का पानी भाड़ में जाए, अपना समरसीबल का भर लेंगे। तो ये देखो कोई टाइम थोड़ी ना है पानी देने का, किसी भी टाइम उनका मन करता है तब वो वाल खोल के बैठ जाते हैं, है उनको कोई कहने वाला होना चाहिए इस टाइम किस लिए वाल खोल के बैठते हैं, तो ये कुछ है। अच्छा वहां से आए, ऐसा लगता है जैसे दिल्ली में घुस गए ना, एक तो आंखों में इतनी ज्यादा जलन होती है ना और सिर में इतना दर्द हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर पे ना एक पोल्यूशन की लेयर हो गई है। तो पता नहीं लोग बाग है ना दिल्ली में कैसे रहते हैं, कई बार मेरी सिस्टर बोलती है कि हम ऐसे रहते ऐसे रहते दिल्ली में ये वो। मैंने कहा तुम्हारी दिल्ली में कुछ भी हो जाए लेकिन ना तुम अगर मेरे को कोई फ्री में भी कई करोड़ का भी मकान देना तो मैं दिल्ली ना रहूं, वहां पे भाई इतना ज्यादा पोल्यूशन है, इतना ज्यादा पोल्यूशन है मैं क्या ही बताऊं। तो देखो मेट्रो बिल्कुल साफ सुथरी थी और जो वहां पे गए थे ना हम ऊन वाली मार्केट में गए थे वो भी साफ सुथरी थी, पर एक है पता नहीं, एक तो पान खा के थूकते रहते हैं लोग और एक है ही एक अजीब सी जलन सी है। और हम यहाँ रहते खुले में, आसपास पूरा हरियाली है, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा हरियाली, बहुत ज्यादा, तो बहुत सारी बातें होगी। देखो बताओ कितनी देर की बात होगी, 10 मिनट की बातें होंगी, फिर आप बोलोगे कि हमें पका रहे हो, है ना, तो पकाऊंगी नहीं मैं आप लोगों को, और आप लोगों से अब मैं विदा लूंगी। और अभी वैसे तो एडिटिंग करनी थी पर भाई बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, और सवेरे देखूंगी जो कल व्लॉग आप लोगों के लिए जाएगा ना वो सवेरे ही एडिट करूंगी, क्योंकि हस्बैंड जी चले जाएंगे 5 बजे चले जाएंगे, और फिर उसके बाद अगर तबीयत ठीक सी महसूस हुआ मुझे तो सवेरे मैं वापस लेटूंगी, नहीं तो भाई ले वापस लेट जाऊंगी, थोड़ा सा देर से व्लॉग दे दूंगी मैं आप लोगों को देखने के लिए, कोई बात नहीं। तबीयत देखो आप लोगों की भी खराब होती होगी ना, आज मेरी बहुत खराब है तबीयत, तो थोड़ा सा मेरी तरफ देख के मैनेज कर लेना।
चलिए इस व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आपसे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, नए व्लॉग में, एक और नए दिन में। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना, मेरी की तरह बीमार बिल्कुल भी मत होना, और मैं आती रहूंगी सवेरे भी और शाम को भी आपके मोबाइल के थ्रू आपके पास, और आपको मैं हंसने पर मैं मजबूर कर दूंगी। पूरे व्लॉग में एक बार तो आप जरूर से मुस्कुराओगे, ये मेरा अपना मतलब एक विश्वास है, तो एक बार आप जरूर मुस्कुराओगे। तो मुस्कुराने के लिए मैं दोनों सुबह रे शाम को आती रहूंगी आपके मोबाइल के थ्रू आप लोगों के पास। तो चलिए फिर, बाय बाय, राधे राधे।